हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। देखो क्या बताया गया इसमें कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब अपने को दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। मतलब कोई दो संख्याएं ज्ञात करनी हो जो धनात्मक हो और उनके पूर्णांक उनका उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेते हैं, माना एक पूर्णांक मान लेते हैं, हम क्या अक्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक, अब देखो अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, कर्मागत है। कर्मागत का मतलब क्या है, लगातार। जैसे अपने पास एक संख्या क्या है, 10 है, तो दूसरी क्या होगी, 11 होगी। मतलब 10 प्लस 1 होगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अक्ष मान लिया, तो दूसरी क्या होगी, अक्ष प्लस 1 हो जाएगी। आगे बात समझ में, मतलब अपने पास पहला पूर्णांक क्या है अक्ष, दूसरी क्या हो जाएगी अक्ष प्लस 1। लगातार का मतलब यही है कि जैसे मतलब अपने पास कोई भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो अगली संख्या आएगी। तो इसमें अक्ष किससे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगली संख्या आ जाएगी अपनी। अब क्या बोल रहा है देखो कि वर्गों का योग क्या हो, 365 हो, तो लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब इनके वर्गों का योग क्या है, 365। मतलब अपने पास क्या है, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 1 का स्क्वायर क्या है, 365 है। आगे बात समझ में, मतलब दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको इस रूप में लिख देंगे, ये तो अपना अक्ष स्क्वायर है, ठीक है, प्लस इसको ए स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, अक्ष स्क्वायर प्लस 2, ए का मान क्या है, अक्ष है, बी का मान क्या है, 1 है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बराबर क्या है अपने पास, 365, ठीक है। अब देखो क्या अपने पास अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 2 को अक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अक्ष को 1 से करेंगे, 2 अक्ष हो जाएगा, प्लस ये क्या अपने पास 1 है, इस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 365 बराबर के इधर है, इस साइड में ले आएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 365 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 2 अक्ष, अब देखो इसमें से क्या है, 165 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 365 में से 1 घटाएंगे, क्या बच जाएगा, 364, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब देखो इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, दो तीनों पार्ट जो है इनमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा अपने पास, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस। अब देखो 364 में 2 का भाग देंगे, 18 × 36, 2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आगे बात समझने, अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 182 बराबर 0/2। 0/2 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 182 बराबर 0। अब देखो ये 182 कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी क्या था, 182 था, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, 182 अक्ष स्क्वायर, बीच वाले के टुकड़े करने हैं अक्ष के, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया है अपने पास, ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अक्ष के टुकड़े करने हैं, गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए, 82 अक्ष स्क्वायर, ठीक है ना। तो वहां पे हमने लिए थे 14 और 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182, ठीक है ना। तो अक्ष की जगह क्या ले लेंगे हम, देखो प्लस का अक्ष है, ठीक है ना, तो प्लस वाली संख्या बड़ी आ जाएगी और माइनस वाली छोटी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस 14 अक्ष माइनस 13 अक्ष माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में आ रहा है ना, अपने को क्या करना है, बीच वाले पार्ट के टुकड़े करने हैं, जिसको गुणा करें तो 182 अक्ष स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। देखो 14 में से 13 अक्ष घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, अक्ष बच जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182 करके देख लो एक बार, 13 × 26 33 × 40 53 54 और 13 × 13 और 5 18,
ठीक है ना, सेम यही है, कल भी किया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेके देखते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, अक्ष कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा अक्ष प्लस 14, यहाँ पे देखो दोनों में किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा, माइनस 13, ये क्या हो जाएगा अक्ष प्लस 14 बराबर 0। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 13 को अक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 अक्ष, माइनस 13 को प्लस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 182। अब देखो एक तो पार्ट ये हो गया और एक ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गए, दो मान आ गए, एक तो क्या हो गया अक्ष प्लस 14 और एक क्या हो जाएगा अक्ष माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले इसके बराबर 0 ले लेंगे, बाद में इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो यदि अक्ष प्लस 14 बराबर 0 है तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14, आगे बात समझ में। दूसरा क्या है अपने पास कि अक्ष माइनस 13 बराबर 0 है तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 13, आगे बात समझ में। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, मतलब ये तो किसका आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, मतलब ये आंसर अपना नहीं हो सकता। मतलब एक अक्ष का मान क्या आएगा अपना, एक तो 13, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो एक तो हमने क्या मान लिया था अक्ष माना था, तो अक्ष का मान क्या आ गया 13, दूसरा क्या हो जाएगा अक्ष प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। अपने को धनात्मक चाहिए, ये मान ऋणात्मक आ गया तो ये मान नहीं होगा, ये अक्ष का मान हो जाएगा 13, दूसरा क्या हो जाएगा अक्ष प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14, आगे बात समझ में। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।